अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास सिक्स का थर्ड चैप्टर, जिस जो है हमारे पास बैलेंस डाइट यानी मतवाजन गज़ा। सबसे पहले हमारे पास कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल यू सजेस्ट टू ईट फॉर बेबीज ऑफ एज ग्रुप 1 to 10 months, यानी 1 से 10 साल के बच्चों के लिए हम क्या प्रेफर करते हैं खाने के लिए, उनकी गज़ा क्या होनी चाहिए इसमें। तो बेबीज ऑफ एज ग्रुप 1 to 10 months जो बेबी होते हैं शुड टेक ओनली मिल्क, उनको सिर्फ दूध पीना चाहिए। सेकेंड उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, बीफ मटन बटर एक्सेट्रा आर सजेस्टेड टू ईट फॉर द पीपल ऑफ एज ग्रुप 10 to 40 years, यानी वो कहते हैं कि जो बीफ मटन वगैरह 10 से 40 साल की उम्र के लोगों को खाने का मशवरा दिया जाता है। तो इज़ इट ट्रू? यस, बिल्कुल, जो 10 से 40 साल के बीच में लोग होते हैं उनको मटन बीफ मक्खन वगैरह बटर वगैरह ये खाने का मशवरा दिया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी ईट रेगुलरली एंड व्हाट शुड वी अवॉइड टू ईट ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस पे हमें क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या अवॉइड करनी चाहिए। तो रेगुलर बेसिस पे इसका आंसर है, वी शुड ईट कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स ऑन रेगुलर बेसिस, वाइल वी शुड अवॉइड टू ईट लिपिड्स फैट्स ऑयल ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, फैट्स को लिपिड वगैरह को इनको हमें डेली बेसिस पे अवॉइड करना चाहिए, और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं प्रोटीन्स हैं इनको डेली बेसिस पे लेना चाहिए। चैप्टर स्टार्ट हो रहा है हमारा। सबसे पहले रिकॉल व्हाट यू हैव लर्न्ड इन प्रीवियस क्लासेस, पहले तो रिकॉल कर लेते हैं कि आपने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा था। वी हैव लर्न्ड अबाउट द फॉलोइंग, यानी मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि वेज ऑफ मेंटेनिंग गुड हेल्थ, अच्छी सेहत बरकरार रखने के तरीके भी पढ़ चुके हैं हम। बैलेंस डाइट क्या होती है ये भी पढ़ चुके हैं। डिफरेंट फूड ग्रुप्स के बारे में भी पढ़ा है, लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रुप है, ग्रेन ग्रुप्स है, ग्रुप है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स यानी मिल्क और मिल्क से बनी हुई चीज़ें जो है इनका ग्रुप है, मीट ग्रुप है। ठीक है, तो ये ग्रुप्स भी हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं पिछली क्लासेस में। इसके बाद एक एक्टिविटी दी गई है जो हम पहले भी अपने चैप्टर्स में करते हैं, कि हमें सी राइट करना है अगेंस्ट करेक्ट स्टेटमेंट और आई राइट करना है अगेंस्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा कहा है करेक्ट, मीट ग्रुप ऑफ फूड इंक्लूड्स मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बटर चीज़ योगर्ट एक्सेट्रा। कहते हैं मीट ग्रुप जो है ऑफ फूड उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, जो गोश्त या दूध और दूध की चीज़ें शामिल होती हैं। कहते हैं इसमें मीट ग्रुप में बटर चीज़ वगैरह शामिल होता है, तो ये इनकरेक्ट है। मिल्क ग्रुप में बटर चीज़ वगैरह शामिल नहीं होता, बल्कि मिल्क ग्रुप में मिल्क ग्रुप ऑफ फूड्स इंक्लूड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, उससे दूध और दूध से चीज़ें बनी ही शामिल होंगी उसमें। सेकंड उन्होंने कहा है, ग्रेन ग्रुप ऑफ फूड इंक्लूड्स व्हीट राइस बार्ले पियल माइलेट मेज एंड पल्सेस एक्सेट्रा। बिल्कुल, ग्रेन ग्रुप में यही शामिल होता है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। आपने यहाँ पे अगर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है तो सही मैं बोली है वो भी लिखनी है। इसके बाद है, मिल्क ग्रुप ऑफ फूड इंक्लूड्स बीफ मटन फिश चिकन एंड एग्स एक्सेट्रा। वो कहते हैं मिल्क ग्रुप में जो है वो बीफ शामिल होता है, मटन होता है, फिश होते हैं, मिल्क ग्रुप में तो ये नहीं होता, इसलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और इसकी सही स्टेटमेंट है, मिल्क ग्रुप ऑफ फूड इंक्लूड्स बीफ मटन फिश चिकन एंड एग। ठीक है, मिल्क ग्रुप में नहीं होता बल्कि मीट ग्रुप में होता है। अच्छा, लास्ट है, फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रुप ऑफ फूड इंक्लूड्स फ्रूट सच एज एप्पल ऑरेंज बनाना मैंगो ग्रेप्स पपाया एक्सेट्रा एंड वेजिटेबल सच एज लेडी फिंगर टर्निप रेडिश कैरेट कैबेज एंड पोटैटो एक्सेट्रा। वो कहते हैं फ्रूट और वेजिटेबल ग्रुप्स में ये चीज़ें शामिल होती हैं, तो बिल्कुल यही चीज़ें शामिल होती हैं, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अच्छा, ये स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं जी, फूड प्रोवाइड अस एनर्जी एंड न्यूट्रंट्स नीडेड फॉर वाइटल प्रोसेसेस। फूड हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? फूड हमें प्रोवाइड करते हैं एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, नीडेड फॉर वाइटल प्रोसेसेस, जिसकी ज़रूरत होती है। वाइटल प्रोसेसेस यानी अहम प्रोसेस होते हैं, लाइक ग्रोथ हो गया, रिपेयर ऐसे एहतियाब होना या रिप्रोडक्शन होना एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेज या डिजीजेज बीमारियों से बचना। तो ये कुछ वाइटल प्रोसेस हैं जिनमें हमें एनर्जी की और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को। वी यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, हम मुख्तलिफ तरह के जो है वो खाने यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ फूड आइटम्स आर इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, ज़्यादातर जो मोस्ट जो होते हैं फूड आइटम्स, ज़्यादातर जो खाने की चीज़ें होती हैं वो हमें इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी होती हैं, यानी फ़ौरन से एनर्जी मिल जाती है उसको खा के।
बट सम फूड्स आर बेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथिंग एंड रिपेयरिंग. लेकिन कुछ खाने ऐसे होते हैं, कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो बेस्ट होते हैं, प्रोवाइड करते हैं हमें न्यूट्रिएंट्स एंड ग्रोथ फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर. ठीक है, वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं न्यूट्रिएंट्स हमें बढ़ने के लिए. सम कीप अस हेल्दी एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज. कुछ जो होते हैं वो हमें हेल्दी रखते हैं एंड प्रोटेक्ट करते हैं बीमारियों से, डिजीज से. सो फूड आइटम्स आर डिवाइडेड इंटू डिफरेंट फूड ग्रुप्स, इसलिए उनको डिफरेंट फूड ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड कर दिया गया है. ठीक है, लेट अस डिस्कस डिफरेंट फूड ग्रुप्स, देयर सोर्सेज एंड इम्पॉर्टेंस. अब हम वो लेते कहाँ से हैं, वो फूड ग्रुप्स कौन से हैं और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, हम उनको डिस्कस करते हैं, उनको पढ़ते हैं. सबसे पहला टॉपिक है फूड ग्रुप्स एंड सोर्स. फूड ग्रुप्स और उनके सोर्स, जराए. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड. खुराक हासिल करने का जो सबसे मेन चीज़ जो है वो कौन सी है, या तो हम प्लांट से हासिल करते हैं या एनिमल से खुराक हासिल करते हैं. वीट, राइस यानी गंदम, चावल, वेजिटेबल, फ्रूट्स एक्सेट्रा कम फ्रॉम प्लांट्स. ये कहाँ से आती हैं, ये प्लांट्स यानी पौधों से हासिल की जाती हैं. फिश मीट, एग, मिल्क एक्सेट्रा. जो फिश मीट फिश है, मीट है, एग है, मिल्क एक्सेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, ये एनिमल से हासिल किए जाते हैं. अदर फूड्स वी यूज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ दोज गॉट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. बाकी जो हैं वो फूड खुराक वो है जो दोनों से हासिल की जाती हैं. इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स और गज़ाइयत की बिना पे फूड्स आर क्लासिफाइड. इनको क्लासिफाई कर दिया गया कुछ ग्रुप्स में, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स एक तरफ और प्रोटीन वाले एक तरफ. ठीक है, जिनसे फैट हासिल होता है वो एक तरफ, विटामिन और मिनरल्स, इनको मुख्तलिफ जो है वो समराइज कर दिया, क्लासीफाई कर दिया गया. सबसे पहले जो है वो हमने पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ग्लूकोज, शुगर, स्टार्च एक्सेट्रा आर द फूड्स बिलोंगिंग. ये वो खुराक है, ये वो खाने हैं जो बिलोंगिंग ताल्लुक रखते हैं टू द ग्रुप, इस ग्रुप से, जिस ग्रुप को कार्बोहाइड्रेट्स का ग्रुप कहा जाता है, तो ये इससे ताल्लुक रखते हैं. शुगर आर प्रेजेंट इन हनी. शुगर किस में मौजूद होती है? हनी में, फूड में, मिल्क में एक्सेट्रा, इन चीज़ों में जो है वो शुगर शामिल होती है. जबकि वीट, राइस, बार्ले, पोटैटो, बार्ले मतलब जौ और टमाटो एंड अदर वेजिटेबल्स, और दूसरी जो वेजिटेबल्स हैं आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स फॉर स्टार्च. तो ये रिच यानी भरी हुई होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको स्टार्च भी कहा जाता है, स्टार्च कहा जाता है. फिर वो कहते हैं जी कार्बोहाइड्रेट्स आर क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी. कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्विक एनर्जी सोर्स हैं, यानी इनसे जल्दी हमारी बॉडी को एनर्जी जो है वो मिल जाती है. मोस्ट ऑफ द एनर्जी नीड्स ऑफ आवर बॉडी, मोस्ट ऑफ द एनर्जी यानी ज़्यादातर जो हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है आर मेट बाय कार्बोहाइड्रेट्स, वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है. सो दे वर्क एज फ्यूल फॉर आवर बॉडी, इसलिए वो हमारी बॉडी में एज फ्यूल काम कर रहे होते हैं. कार्बोहाइड्रेट जो है एज ईंधन के तौर पर काम कर रहे होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ कार्बन. अब ये किन एलिमेंट से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनते हैं? कार्बन से, ठीक है, और हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से. इन इन एलिमेंट से, इन अज्जा से मिलके जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं. ऑन डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होती है तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कन्वर्टेड इनटू सिंपल शुगर, सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं, लाइक ग्लूकोज, ग्लूकोज जैसे हो गया एक्सेट्रा, विच आर ऑब्जर्व इन द ब्लड. जो ब्लड है वो उसको फिर ऑब्जर्व कर लेता है थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत की जो दीवारें होती हैं, वहाँ से फिर ब्लड उसको अब्जॉर्व कर लेते हैं. ड्यूरिंग ब्लड सर्कुलेशन, जब ब्लड सर्कुलेशन होती है फिर उसके बाद ब्लड सर्कुलेट करता है, पूरी बॉडी में जाता है. दीज ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ये जो ग्लूकोज है, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो ट्रांसपोर्टेड, वो ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं, ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं टू एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी के हर सेल तक पहुँचा दिए जाते हैं थ्रू द ब्लड, ब्लड की वजह से. इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ आवर बॉडी सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया में जो हमारे बॉडी सेल्स हैं वहाँ पे ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज. ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, मिलता है ऑक्सीजन से, क्या करने के लिए? टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी रिलीज करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, ग्लूकोज जो है वो यहाँ पे ऑक्सीडाइज होता है. C6H12O6 जो है वो ग्लूकोज का फॉर्मूला है और ऑक्सीजन का O2 है. तो ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडाइज होता है रिलीज करने के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी. नेक्स्ट जो ग्रुप है हमारे पास वो है प्रोटीन्स का ग्रुप. प्रोटीन्स आर अ फूड ऑफ प्रोटीन्स आर अ फूड ग्रुप
विच प्रोवाइड मटीरियल फॉर ग्रोथ। तो प्रोटीन जो है वो ऐसा फूड ग्रुप है जो प्रोवाइड करता है मटीरियल मवाद ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए एंड रिप्रोडक्शन के लिए। प्रोटीन्स आर दस नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स। इसी वजह से प्रोटीन्स को बिल्डिंग ब्लॉक्स, हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक भी कहा जाता है। मीट, एग्स, फिश, पल्सेस यानी मीट, गोश्त, एग्स, अंडे, फिश, पल्सेस, दालें, मिल्क, चिकन, नट्स, नट्स यानी गिरी वाले जो मेवे होते हैं, बीन्स, फलियाँ, पीस, सीड एक्सेट्रा आर द फूड रिच इन प्रोटीन। ये वो खुराकें हैं जो, ये वो खाने हैं जिनमें प्रोटीन जो है वो काफ़ी तादाद में मौजूद होते हैं। इसके बाद है जी, प्रोटीन्स आर मेड फ्रॉम द एलिमेंट। प्रोटीन किस एलिमेंट से मिलकर बनती है? प्रोटीन जो है वो कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से एंड नाइट्रोजन, इन एलिमेंट से मिलकर प्रोटीन्स बनते हैं। ऑन डाइजेशन, जब डाइजेशन होती है इन स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल आर कन्वर्टेड। जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं ना, पेचीदा मवाद वाले, वो कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपलर यूनिट्स में, ठीक है? उनको क्या कहा जाता है? अमाइनो एसिड्स कहा जाता है। दीज अमाइनो एसिड्स आर अब्जॉर्ब। ये अमाइनो एसिड जो होते हैं ये अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत की जो दीवारें हैं वहाँ से ये अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, ठीक है? ड्यूरिंग ब्लड सर्कुलेशन, जब ब्लड सर्कुलेशन होती है यानी ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, द सेड अमाइनो एसिड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू एवरी बॉडी सेल। तो ये अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, हर बॉडी बॉडी के हर सेल तक पहुँच जाते हैं। इट इज़ द बॉडी सेल वेयर अमाइनो एसिड्स आर रिकोगनाइज इन टू स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड अदर वाइटल फंक्शन। वो कहते हैं इट इज़ द बॉडी सेल्स, ये बॉडी सेल्स होते हैं वेयर अमाइनो एसिड्स, जहाँ पे अमाइनो एसिड जो है वो स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन के तौर पे रिकोगनाइज किया जाता है, रिकोगनाइज होता है यानी दोबारा से मुनज्जम होता है, ठीक है? किस लिए? फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए, रिपेयर एंड अदर वाइटल फंक्शन और दूसरे अहम फंक्शन जो है वो करने के लिए। सब्सटेंसेस सच एज मवाद, वो मवाद सच एज एंजाइम्स एंड एंटीबॉडीज आर ऑल्सो मेड ऑफ प्रोटीन। एंजाइम्स या फिर एंटीबॉडीज जो मवाद है वो भी सब्सटेंस जो मटेरियल है वो भी किससे बनता है? प्रोटीन से ही बनता है। नेक्स्ट है फैट्स। फैट्स क्या है? बटर, बटर ऑयल, एनिमल फैट एक्सेट्रा आर अ फूड ग्रुप नोन एज फैट्स। ये वो फूड ग्रुप है जिसको फैट कहा जाता है। फैट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स एज वेल एज प्लांट। ये पौधों से भी हासिल किया जाता है और एनिमल्स से भी। मिल्क, बटर, घी, चीज़, एनिमल फैट, फिश ऑयल एक्सेट्रा आर फैट। ये वो हैं जो रिच फूड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, जो ज़्यादातर खुराक जो है वो एनिमल से हासिल की जाती है, ठीक है? वेजिटेबल ऑयल सच एज ऑलिव ऑयल, ये वेजिटेबल ऑयल जो हैं सच एज, जैसे ये ऑलिव ऑयल हो गया, ठीक है? कॉर्न ऑयल और कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल एक्सेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सीड। ये जो पौधे होते हैं उनके बीजों से ही हासिल किए जाते हैं, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल वगैरह, ये वहाँ से हासिल किए जाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं जी, फैट्स आर स्टोर्ड अंडर आवर स्किन एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर चेंजेस। कहते हैं ये फैट्स जो होते हैं हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं और फिर प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को, अगर कभी टेम्परेचर हमारी बॉडी का चेंज आउट हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है, तो इसमें ये हमारी इफेक्ट उससे बचाते हैं, ठीक है? हमारी बॉडी को इफेक्ट से बचा लेते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। दे गिव सेफ्टी कवर टू द वाइटल बॉडी ऑर्गन। ये बहुत सारे हमारी बॉडी के जो ऑर्गन हैं, वाइटल ऑर्गन, अहम बॉडी ऑर्गन जो हैं उनको सेफ्टी कवर फ्राहम करता है, लाइक हार्ट हो गया, ब्रेन, किडनी एंड लिवर, तो ये उनको प्रोटेक्ट करता है। दे कीप आवर बॉडी वॉर्म। ये हमारी बॉडी को क्या, फैट्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। फैट्स आर द सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा कि हमने, वो एनर्जी का सोर्स होते हैं सबसे ज़्यादा, और दूसरे नंबर पे अगर कोई एनर्जी सोर्स होते हैं तो वो फैट्स होते हैं। दे आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द शॉर्टेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर शॉर्टेज हो जाए हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की, तो दे आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो हम इनको एज एनर्जी सोर्स के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं। साइड पे एक इंफॉर्मेशन दी गई है, इसको भी पढ़ लेते हैं। फैट्स आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। वो कहते हैं फैट्स होते हैं रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, यानी इनमें ये सबसे बड़ा जरिया होते हैं एनर्जी का। दे प्रोड्यूस मोर देन टू टाइम्स एनर्जी प्रोड्यूस बाय सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कहते हैं ये कार्बोहाइड्रेट से दो गुना ज्यादा एनर्जी, सेम अमाउंट जो है वो टू टाइम्स मोर जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है कार्बोहाइड्रेट्स की तादाद से।
सेकेंड उन्होंने कहा अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन ऑफ सील्स एंड वॉलसेस कीप देम वार्म इन द एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ पोलर रीजन. वो कहते हैं जी जो स्किन की जो सील्स है उसकी जो थिक स्किन के सील्स के नीचे वाली जो मोटी तह होती है वो क्या करती है वॉल्सेस को वॉल्सेस एनिमल्स हैं उनका नाम है ये उनको कीप देम वार्म वो उनको एक्सट्रीम कंडीशन में भी यानी इंतहाई ठंडे इलाके में अगर वो पाए जा रहे हैं ठीक है तो वहाँ पे उनकी बॉडी को गर्म रखने में ये हेल्प करते हैं. लास्ट है एडिबल ऑयल्स आर द एडिबल्स मतलब जो खाने के काबिल ऑयल होते हैं आर द फैट्स विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. तो वो कहते हैं कि वो एडिबल ऑयल वो चर्बी होते हैं जो कमरे के दर्जा हरारत पर लिक्विड में जो है वो लिक्विड बन जाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास विटामिन है. विटामिन आर द कॉम्पोनेंट ऑफ फूड विच आर नीडेड बाय बॉडी आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटी. विटामिन जो होते हैं आर द कम्पोनेंट्स वो ऐसे अज़ा हैं ऑफ फूड खुराक का आर नीडेड बाय आवर जिसकी हमारी बॉडी को बहुत कम तादाद में जो है वो स्मॉल क्वान्टिटी में ज़रूरत होती है. विटामिन डू नॉट प्रोड्यूस एनर्जी. क्यों? क्योंकि विटामिन जो होते हैं विटामिन एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते बट दे आर असेंशियल फॉर ग्रोथ. लेकिन ये ज़रूरी होते हैं. असेंशियल का मतलब क्या है? ज़रूरी. लेकिन ये ज़रूरी होते हैं फॉर ग्रोथ एंड प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग. हमारी ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग यानी हमारी बॉडी वर्किंग जो है वो प्रॉपर करती रहे तो उसके लिए ये ज़रूरी होते हैं. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज एंड कीप आवर आइज बोन्स टीथ एंड गम्स हेल्दी. तो ये हमारी बॉडी को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं डिजीजेज से और हमारे आइज टीथ बोन्स जो हैं वो हेल्दी रहते हैं इस वजह से. विटामिन आर डिफरेंट टाइप्स एंड आर रिप्रेजेंटेड बाई लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स. वो कहते हैं विटामिन जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और उनको रिप्रेजेंट किया जाता है यानी जाहिर किया जाता है लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स में. एग्जाम्पल गिवन है ईजी का मतलब होता है एग्जाम्पल गिवन विटामिन ए बी सी डी ई एंड के. ठीक है इस तरह से इनको अल्फ़ाबेट्स में या लेटर्स में जो है वो जाहिर किया जाता है. डिफरेंट विटामिन अलॉन्ग विद दियर सोर्सेज एंड फंक्शन आर गिवन इन टेबल. टेबल में डिफरेंट विटामिन जो है उनके फंक्शन के साथ उनका सोर्स भी बताया गया और उनका फंक्शन भी बताया गया. उससे पहले यहाँ पे है डू यू नो क्या आप जानते हैं विटामिन ए डी ई एंड के आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर दे आर फैट सॉल्युबल. ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते बल्कि फैट सॉल्युबल होते हैं. विटामिन बी एंड सी आर सॉल्युबल इन वाटर. जो विटामिन बी और सी होते हैं ये पानी में सॉल्युबल होते हैं हल हुए होते हैं या हल हो सकते हैं. विटामिन कौन से यहाँ पे सबसे पहले सोर्स विटामिन ए का सोर्स जो है यानी कहाँ से हासिल किया जाता है ये कैरेट से कोल्ड लिवर ऑयल एक्सेट्रा यहाँ से ये हासिल किया जाता है. इनका फंक्शन क्या होता है विटामिन ए का फंक्शन होता है कीप्स आइज हेल्दी एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस यानी हेल्दी रखना एक तो आइज को ठीक है और दूसरा जो नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात को नजर ना आने वाली है कि जो बीमारी होती है उससे महफूज रखना. विटामिन बी है इसका सोर्स क्या है बनाना फिश व्हीट फ्रेश मीट वेजिटेबल्स ग्रेन्स एक्सेट्रा ये यहाँ से हासिल होता है विटामिन बी हमें इन चीज़ों से. और ये इसका काम क्या होता है प्रोटेक्ट फ्रॉम बेरीबेरी यानी बेरीबेरी का मतलब है लैक ऑफ एनर्जी एनर्जी की कमी तो ये उससे प्रोटेक्ट करता है डिजीजेज ऑफ नर्वस सिस्टम और हमारे नर्वस सिस्टम में जो डिजीजेज अगर हो रही हैं तो उनको उससे प्रोटेक्ट रखता है ये उन बीमारियों से. सी विटामिन सी जो है ये कहाँ से हासिल किया जाता है ये सिट्रस फ्रूट ऑरेंज गावा ब्रोकोली स्ट्रॉबेरी ब्रोकली एंड स्ट्रॉबेरी से हासिल किया जाता है. कीप्स इसका फंक्शन क्या है कीप्स स्किन हेल्दी एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम स्कोरस वॉलन एंड ब्लीडिंग गम्स यानी कीप्स स्किन हेल्दी स्किन को हेल्दी रखना और प्रोटेक्ट करना फ्रॉम स्वॉलन यानी सूजन से और ब्लीडिंग गम्स जो हो रही होती है इनसे प्रोटेक्ट करता है ये. विटामिन डी जो है ये कहाँ से इसका सोर्स क्या है मिल्क कोड लिवर सोयाबीन एक्सेट्रा ये दूध से सोयाबीन इस तरह से हासिल होता है. और इसका फंक्शन क्या होता है प्रोटेक्ट फ्रॉम रिकेट्स से ये इसको प्रोटेक्ट करता है. रिकेट्स क्या है अ डिजीज इन विच बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड वीक एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियाँ जो होती हैं वो बहुत नाजुक और कमज़ोर हो जाती हैं. विटामिन ई है ये कहाँ से हासिल किया जाता है इसका सोर्स क्या है एग्स ड्राई फ्रूट्स पीस एक्सेट्रा. फंक्शन क्या है कीप्स मसल्स हेल्दी एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिजीज यानी मसल्स को हेल्दी रखना और बॉडी को डिजीज से महफूज रखना. विटामिन के है मिल्क
लीफी वेजिटेबल यानी जो पत्तों वाली वेजिटेबल्स होती हैं उनसे, और फ्रूट्स, इनसे हासिल किया जाता है विटामिन के। फंक्शन क्या है इसका? असेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, खून के जमने के लिए या खून क्लॉट होने के लिए इसका ये ज़रूरी होता है। मिनरल्स हैं नेक्स्ट टॉपिक, मिनरल्स लाइक कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, फ्लोराइन, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटाशियम, जिंक एक्सेट्रा, ये सारे मिनरल्स हैं, आर ऑल्सो असेंशियल पार्ट ऑफ आवर फूड। ये भी हमारे खाने का एक असेंशियल, एक ज़रूरी हिस्सा है। दे आर नीडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ बॉडी टिश्यूज़, लाइक इनकी ज़रूरत होती है बनने के लिए, फॉर्मेशन ऑफ बॉडी टिश्यूज़ यानी हमारी बॉडी में जो टिश्यूज़ हैं उनके बनने के लिए, बोन्स टिश्यू हो गए, टीथ एंड ब्लड सेल जो हैं वो, उनके बनने के लिए हमें इसकी ज़रूरत होती है, और ये इंपॉर्टेंट होते हैं। दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के बढ़ने में, ग्रो करने में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। फाउंड कहाँ पे होते हैं? मिनरल्स आर फाउंड इन मिल्क, मीट, ग्रेन्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिश, इनसे हासिल किए जाते हैं ये। फंक्शन एंड सोर्सेज ऑफ अ फ्यू मिनरल्स आर गिवन, फ्यू यानी कुछ के जो फंक्शन और सोर्सेज जो हैं वो नीचे बताए गए हैं। जैसे कैल्शियम है, तो कैल्शियम का फंक्शन क्या होता है? कैल्शियम का काम जो है वो मेक्स बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, मेक्स मसल्स हेल्दी यानी हड्डियों को और दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाना, मसल्स को हेल्दी रखना, हेल्प्स द ब्लड क्लॉट, ब्लड की क्लॉटिंग में, खून के जमने में ये हेल्प करते हैं। इस सोर्स क्या है इनका, हासिल कहाँ से होते हैं? मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, एग, फिश, इनसे हासिल किए जाते हैं। आयरन है नेक्स्ट, आयरन का जो फंक्शन होता है वो है मेक्स हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल, हम पढ़ चुके हैं रेड ब्लड सेल में, और उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है उसको भी पढ़ चुके हैं। तो इसका काम है उस हीमोग्लोबिन को बनाना रेड ब्लड सेल्स के अंदर, दैट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल बॉडी सेल्स, जो कैरी करके ऑक्सीजन को लेके जाते हैं फ्रॉम ऑल बॉडी सेल्स दूसरे बॉडी के तमाम सेल्स तक। सोर्सेज क्या हैं इनके? लिवर, मीट, एग, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स और एप्पल्स और पोमीग्रेनेट्स यानी अनार वगैरह से हासिल होता है ये। इंफॉर्मेटिव है यहाँ पे एक बॉक्स, वो कहते हैं जी मिनरल्स ऑफ सोडियम, आयोडीन एंड फॉस्फोरस आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। मिनरल्स ऑफ सोडियम, सोडियम के जो यानी आयोडीन है, फॉस्फोरस है, आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये एक अहम हिस्सा है हमारे खानों का। दे प्ले लाइक की रोल्स इन आवर बॉडी एट अंडर, की रोल्स का मतलब होता है अहम किरदार अदा करते हैं हमारी बॉडी में। सोडियम जो है वो मेंटेन द बैलेंस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, सोडियम जो है वो मेंटेन रखता है बैलेंस ऑफ वाटर, पानी के और मिनरल्स के बैलेंस को मेंटेन रखना सोडियम का काम होता है। इट रेगुलेट्स द ब्लड प्रेशर ऑल्सो, रेगुलेट का मतलब है कंट्रोल करना, तो ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। दूसरा है आयोडीन, आयोडीन इज नीडेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड। आयोडीन की ज़रूरत हमें क्यों होती है? थायराइड हॉर्मोन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में उनकी प्रोडक्शन के लिए यानी उनके बनने के लिए और उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, नॉर्मल फंक्शनिंग होती है उनकी, नॉर्मल से वो काम करते रहें, तो इसलिए हमें आयोडीन की ज़रूरत होती है। फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस द कंपोनेंट ऑफ बोन, टीथ, डीएनए एंड आरएनए, ये इसका कंपोनेंट है। इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ एनर्जी पैकेट्स, वो कहते हैं ये एनर्जी पैकेट्स का भी पार्ट है। एटीपी, एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, इसका स्टैंड है एटीपी का। फाइबर है नेक्स्ट हमारे पास, फाइबर इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बॉडी। कहते फाइबर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की ही टाइप है, विच आर नॉट डाइजेस्टेड, लेकिन ये हमारी बॉडी में डाइजेस्टेड नहीं होते, डाइजेस्ट हुए नहीं होते। इट इज़ फाउंड इन फ्रूट वेजिटेबल, ये फ्रूट में, वेजिटेबल्स में, ब्राउन में, ब्राउन राइस में, या सीरियल्स दालों वगैरह में पाए जाते हैं। इट वर्क्स एज रफेज एंड हेल्प्स द फूड मूव ईजली थ्रू आवर इंटेस्टाइन, ये रफेजली काम कर रहे होते हैं हमारी बॉडी में और क्या करते हैं ये फूड को, खुराक को मूव ईजिली मूव करने में थ्रू इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से आगे ईजिली मूव करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं वाटर, वाटर इज़ एन असेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर मील, हमारे खानों का सबसे अहम हिस्सा अगर है तो वो वाटर है। वी ड्रिंक वाटर डायरेक्टली, हम डायरेक्टली पानी जो है वो पी रहे होते हैं। इन एडिशन ऑलमोस्ट ऑल आवर फूड आइटम कंटेन वाटर, वो कहते हैं इन एडिशन, मज़ीद हम बता दें कि तकरीबन तमाम खानों में जो है वो कंटेनिंग वाटर, वो पानी, उसमें पानी जो है वो शामिल होता है। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल, ये हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ फूड यानी खुराक की मूवमेंट को एलिमेंट्री कैनाल में, यानी खुराक की जो नाली होती है उससे आगे मूव करने में पानी जो है वो हेल्प करता है। फ्लो ऑफ ब्लड इन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स जो खून की नालियां हैं उनमें खून के फ्लो करने को भी हेल्प करता है।
रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एंड कीप्स द बॉडी एट नॉर्मल टेम्परेचर. रिमूवल ऑफ वेस्ट हमारी बॉडी से जो रिमूव होना होता है वेस्ट, उसमें हेल्प करता है एंड कीप्स द बॉडी एट नॉर्मल टेम्परेचर, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल रखता है. पॉइंट है यहाँ पे वो कहते हैं जी कंडीशन द कंडीशन इन विच लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी इज मोर एंड इनटेक ऑफ वाटर इज लेस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन किसको कहते हैं? उस सूरत हाल में जब पानी जो है वो लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा हो फ्रॉम द बॉडी इज मोर, यानी हमारी बॉडी से पानी ज़्यादा लॉस हो रहा है और इनटेक कम हो रहा है, यानी हमारी बॉडी में पानी अंदर जो है वो कम जा रहा है और बाहर ज़्यादा जा रहा है, उसको डिहाइड्रेशन कहा जाता है. नेक्स्ट है बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट यानी मतवाजन गज़ा. मतवाजन गज़ा क्या होती है? डिफरेंट फूड्स कंटेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. डिफरेंट फूड जो होते हैं मुख्तलिफ खानों में जो अमाउंट होती है न्यूट्रिएंट्स की वो भी मुख्तलिफ ही होती है. अ डाइट इज़ ऑल दैट वी ईट इन अ डे. खुराक डाइट होती क्या है? वो गज़ा जो हम सारा दिन में ले रहे होते हैं उसको गज़ा कहते हैं. अ बैलेंस डाइट कंटेन प्रॉपर अमाउंट फॉर न्यूट्रेंट दैट आवर बॉडी नीड्स. अ बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट कंटेन उसमें शामिल होता है प्रॉपर अमाउंट फॉर न्यूट्रेंट, एक मुकम्मल पूरी तादाद में जो है वो उसमें न्यूट्रेंट शामिल होते हैं दैट आवर बॉडी नीड्स. उस मतवाजन गज़ा में वो तमाम न्यूट्रेंट शामिल होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को एक्चुअली ज़रूरत होती है. ओवर ईटिंग और इनटेक ऑफ फूड कंटेनिंग न्यूट्रेंट्स इन लेस अमाउंट दैट then needed in our body creates health problem. अब ओवर ईटिंग कर रहे हैं हम, ठीक है, ओवर ईटिंग कर रहे हैं या फिर उन खुराक को ले रहे हैं, उस खुराक को ले रहे हैं जिसकी हमारी बॉडी को जिनमें न्यूट्रेंट्स कम हैं, ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रेंट है जिनमें, तो उससे हमारे हेल्थ इशू क्रिएट होते हैं. फिर यूज़ ऑफ बैलेंस डाइट कीप आवर बॉडी हेल्दी. जो बैलेंस डाइट है वो हमारी बॉडी को हेल्दी रखती है. फूड आइटम आर रिक्वायर्ड इन डिफरेंट अमाउंट फॉर द पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप. वो कहते हैं खाने की जो अशिया होती हैं, फूड आइटम्स जो होती हैं, वो मुख्तलिफ उम्र के लोगों के लिए मुख्तलिफ अमाउंट में चाहिए होती हैं, ठीक है. न्यूट्रेंट्स फूड न्यूट्रेंट्स रिक्वायर्ड डिपेंड ऑन द एज. अब न्यूट्रेंट्स जो हैं वो रिक्वायरमेंट उनकी मुख्तलिफ होती है, डिपेंड करती है ऑन द एज पे, जॉब ऑफ द पर्सन, उस शख्स के काम पे, एंड हेल्थ कंडीशन और उसकी जो हेल्थ कंडीशन है उसकी सेहत की जो सूरत हाल है उस पे कंसिस्ट करती है कि इसको कितने जो है वो कितनी अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स चाहिए. अ मिक्सचर ऑफ फूड हैविंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर अ पर्सन सूटेबल टू इट्स एज. कहते हैं कि अ मिक्सचर ऑफ फूड हैविंग प्रॉपर, उन गज़ाओं का जो मिक्सचर है जिनमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो पाए जा रहे हैं उस तादाद में जितनी कि उस इंसान को ज़रूरत है, सूटेबल है उसके लिए, उसकी एज के हिसाब से, उसके हेल्थ के हिसाब से, उसके काम के हिसाब से, तो उस डाइट को हम क्या बोलेंगे? बैलेंस डाइट बोलेंगे. फॉर दैट पर्सन, उस पर्सन के लिए वो बैलेंस डाइट होगी. फॉर द पेशेंट्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, हार्ट के मरीज़ हैं, किडनीज, डायबिटीज़ एक्सेट्रा, वो प्रॉपर डाइट आर सजेस्टेड बाई द फिजिशियन. तो फिजिशियन की तरफ से जो डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करते हैं एक प्रॉपर डाइट, तो वो फिजिशियन की तरफ से होती है, तो उसको एक बैलेंस डाइट जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है या सजेस्ट की जाती है. कोरिलेशन ऑफ डाइट एंड फिटनेस, यानी डाइट और फिटनेस का रिलेशन. Eating a healthy balanced diet and regular exercise maintain physical and mental health. वो कहते हैं ईटिंग अ हेल्दी बैलेंस डाइट, एक बैलेंस डाइट लेना एंड रेगुलर एक्सरसाइज और रोज़ाना जो है वर्जिश करना मेंटेन फिजिकल एंड मेंटल, मेंटली भी हमारी हेल्थ को अच्छा रखता है और फिजिकली भी, ठीक है. अ चार्ट ऑफ बैलेंस डाइट फॉर द पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप हैविंग नॉर्मल हेल्थ. तो ये उन्होंने एक चार्ट बनाया हुआ है नीचे बैलेंस डाइट का, मुख्तलिफ एज ग्रुप के हिसाब से कि उनके लिए क्या किस तरह का जो बैलेंस डाइट है वो होनी चाहिए. एंड डेली रूटीन वर्क इन गिवन, यानी डेली रूटीन में उनके लिए कैसी खुराक होनी चाहिए. यूज़ ऑफ डाइट एज सजेस्ट इन दिस टेबल कीप ह्यूमन बॉडी फिट एंड हेल्दी. तो इस डाइट को फॉलो करते हुए हमारी बॉडी को जो है वो फिट और हेल्दी रख सकते हैं. एज ग्रुप बताए गए हैं जो यंग एज होते हैं, यानी छोटे बच्चे जो होते हैं. मिल्क फॉर बेबी ऑफ 1 to 12 मंथ्स एज, जो 1 से 12 महीनों के जो बच्चे होते हैं उनके लिए सिर्फ दूध होता है.
मिल्क, शुगर, एग, फ्रूट जूस हो गया फॉर बेबी ऑफ 1 to 2 ईयर्स, जो 1 से 2 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए मिल्क, शुगर, एग, फ्रूट जूस, ये चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद वो कहते हैं मिल्क, शुगर, एग, फ्रूट, वेजिटेबल, राइस, ब्रेड, ब्रेड भी शामिल है जी, फॉर 3 to 4 ईयर्स, 3 से 4 साल के बच्चे जो होते हैं उनके लिए ये वाली डाइट जो है वो बैलेंस डाइट है। फिर आ जाते हैं मिल्क, शुगर, एग, फ्रूट, वेजिटेबल, हनी, राइस, ब्रेड, बटर, बोनलेस चिकन, फिश, ये फॉर 5 to 8 ईयर्स एज, जो 5 से 8 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए ये बैलेंस डाइट है। फिर है जी नेक्स्ट, मिल्क, शुगर, एग, फ्रूट, वेजिटेबल्स, हनी, राइस, ब्रेड, बटर, चीज़, चिकन, फिश, मीट, ड्राई फ्रूट, तो ये फॉर 9 to 18 ईयर्स एज, जो 9 से 18 साल के बच्चे हैं उनको ये वाली डाइट लेनी चाहिए। इट्स अ बैलेंस्ड डाइट फॉर दोज। अडल्ट एज जो होते हैं यानी जो जवान होते हैं उनको कौन सी डाइट उनके लिए बैलेंस्ड डाइट है? मिल्क, शुगर, एग, फ्रूट, वेजिटेबल, हनी, राइस, ब्रेड, बटर, चीज़, चिकन, फिश, मीट, ड्राई फ्रूट, बीफ, ये 19 to 40 ईयर्स एज जो यंग होते हैं, जो अडल्ट एज होते हैं उनके लिए बैलेंस डाइट है। फिर है मिल्क, एग, फ्रूट, वेजिटेबल, राइस, ब्रेड, चीज़, चिकन, फिश, ड्राई फ्रूट, ये 41 to 50 ईयर, 41 से 50 साल के जो लोग होते हैं उनके लिए ये वाली डाइट बैलेंस डाइट है। ओल्ड एज जो बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए मिल्क, फैट फ्री, एग, फ्रूट, वेजिटेबल, राइस, ब्रेड, चीज़, चिकन, फिश, फॉर 52 ऑनवर्ड, यानी 50 साल से जो ज़्यादा एज के लोग हैं उनके लिए ये बैलेंस डाइट है। नेक्स्ट है अनबैलेंस डाइट। अनबैलेंस डाइट कौन सी होती है? अ डाइट लैकिंग वन और मोर असेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड नीडेड बाय अ पर्सन इज कॉल्ड अनबैलेंस डाइट फॉर दैट पर्सन। वो कहते हैं ऐसी गज़ा जिसमें किसी शख्स को रिक्वायर या दरकार खुराक में एक या ज़्यादा कंपोनेंट्स की अगर कमी हो जाए, असेंशियल कंपोनेंट्स, ज़रूरी कंपोनेंट्स जो हैं वो उसमें कमी हो जाए, तो वो अनबैलेंस डाइट कहलाएगी फॉर दैट पर्सन, उस पर्सन के लिए। वी मे बिकम सिक, हम बीमार हो सकते हैं, इफ़ वी यूज़ अनबैलेंस डाइट, अगर हम अनबैलेंस गैर मुतवाजन ग़ज़ा जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉन्टीन्यूस यूज़ ऑफ अनबैलेंस डाइट अफेक्ट द ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ आवर बॉडी। जो कॉन्टीन्यू यूज़ है यानी कॉन्टीन्यू रोज़ाना अगर हम एक ही वो अनबैलेंस डाइट ले रहे हैं तो वो अफेक्ट कर सकती है हमारी हेल्थ पे, हमारी ग्रोथ पे। नेक्स्ट है जी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, यानी जो गजाइत की कमी है उसकी उससे क्या खराबी हो सकती है, डिसऑर्डर क्या हो सकता है? शोज द इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अनबैलेंस डाइट इन फूड। अनबैलेंस डाइट अगर हम ले रहे हैं तो उससे ये इफेक्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहले है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की अगर डेफिशिएंसी कमी है तो उससे अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ बॉडी, बॉडी की जो ग्रोथ है उस पर इफेक्ट होगा। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, तो विटामिन ए की अगर कमी है तो उससे अफेक्ट्स विजन, देखने में मसला होगा, नज़र जो है वो कमज़ोर होने लग जाती है। डिफिशेंसी ऑफ विटामिन सी लीड्स टू ब्लीडिंग ऑफ गम्स, गम्स जो है वो मसूड़ों से खून निकलना इसमें आ जाता है। डिफिशेंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की डिफिशेंसी कमी से क्या होता है? कॉज वीकनेस एंड सॉफ्टनिंग ऑफ बॉडी, बोन्स, हड्डियाँ जो हैं वो वीक होने लग जाती हैं और सॉफ्ट होने लग जाती हैं। डिफिशेंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन से क्या आता है? कॉज गोइटर, इससे गोइटर जो है वो बीमारी लाहक होती है। डिफिशेंसी ऑफ आयरन, आयरन की कमी जो है वो कॉज एनेमिया, यानी खून की कमी जो है वो उससे विटामिन आयरन की कमी से होती है। मैच करना है हमने इफेक्ट विद द कॉज। सबसे पहले हम अभी इन चीज़ों को पढ़ के हटे हैं तो उन्होंने ये पिक्चर की फॉर्म में दे दिया है। अब डिफिशेंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से क्या होता है? हमने अभी पढ़ा कि प्रोटीन की कमी से जो है वो ग्रोथ में प्रॉब्लम होती है, तो इसको हम मैच कर देते हैं। फिर है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से विजन प्रॉब्लम होती है, देखने में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? विटामिन सी की कमी से जो मसूड़ों में जो है वो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, इसको मैच कर देते हैं। नेक्स्ट है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? इससे जो बोन्स हैं वो सॉफ्ट और वीक होने लग जाती हैं,
को मैच कर देंगे। डिफिशेंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से गोटर हो जाता है, ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है, डिजीज हो जाती है। इसके बाद फूड पैरामिड है, यानी एक चार्ट बताया गया है हमें। फूड पैरामिड इज अ चार्ट, ये एक चार्ट होता है दैट हेल्प अस इन चूजिंग डिफरेंट फूड आइटम फॉर आवर डेली डाइट। हमारी डेली डाइट में क्या चीज़ सूटेबल है ये हमें चूज करने में हेल्प करता है। शो सच अ चार्ट ऑफ फूड आइटम प्लेस्ड इन डिफरेंट शेल्व्स। डिफरेंट शेल्व्स में मुख्तलिफ खाने रखे गए हैं, ये देखें डिफरेंट शेल्व्स बने हुए हैं और उनमें डिफरेंट फूड रखा गया है। द बेस ऑफ द चार्ट शोज वट वी कैन टेक द मैक्सिमम। कहते हैं जो जो इसकी बेस है वो ये शो कर रही है कि हम क्या चीज़ मैक्सिमम ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ ले सकते हैं। और जो इसकी टॉप है वो ये शो कर रही है कि हम वट वी शुड यूज़ द मिनिमम, हम मिनिमम क्या ले सकते हैं। नेक्स्ट एक एक्टिविटी है, आपने क्या करना है, रिकॉर्ड व्हाट यू ईट इन द ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। आपने रिकॉर्ड बनाना है कि आप लंच में क्या ले रहे हो और डिनर में या ब्रेकफास्ट में, तो फिर आपने उसको यूज़ इसको जब मुकम्मल हो जाएगा तो फिर आपने चेक करना है कि आपकी डाइट जो है वो बैलेंस डाइट है या अनबैलेंस डाइट है, और अगर अनबैलेंस्ड है तो उसको बैलेंस कैसे करना है। नेक्स्ट हमारे MCQs हैं। सबसे पहले पूछा गया है एन इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी इज़, इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है हमारी बॉडी में, कौन सा ऐसा जो है जो हमारी बॉडी को इमीडिएट एनर्जी दे देता है। मैंगो है, चिकन है, मशरूम है, मीट है, तो इनमें से सही आंसर जो है वो मैंगो, ये हमारी बॉडी को इमीडिएट एनर्जी देता है। फूड रिच इन प्रोटीन, कौन सा फ्रूट है जिसमें प्रोटीन जो है वो रिच अमाउंट में पाई जाती है। पोटैटो है, ग्रेप्स है, फिश है, राइस है, उसका सही आंसर है फिश। विच फूड इज़ बेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग फैट्स, जो फैट्स फ्राहम करने के लिए कौन सा जो फूड है वो बेहतर है। फ्रूट्स, बटर, वेजिटेबल्स, ब्रेड, इसका सही ऑप्शन है बटर, ये फैट से फैट्स प्रोवाइड करता है। फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड कौन सा है, कॉर्न ऑयल है, बीफ है, एग है या स्टार्च है, तो स्टार्च इसका सही आंसर है। सोर्स ऑफ विटामिन ए इज, विटामिन ए किससे हासिल किया जाता है, टेबल सॉल्ट से, कैरेट से, मस्टर्ड ऑयल से या शुगर से, इसका सही आंसर है कैरेट, कैरेट से हासिल किया जाता है विटामिन ए। सोर्स ऑफ स्टार्च इज, स्टार्च कहाँ से हासिल किया जाता है, स्टार्च एग से, मीट से, फिश से या पोटैटो से, पोटैटो से हासिल होता है ये। वेजिटेबल ऑयल आर इंक्लूडेड इन द फूड ग्रुप, वेजिटेबल ऑयल वो कहते हैं इंक्लूडेड इन द फूड ग्रुप, कौन से ग्रुप में आते हैं वेजिटेबल ऑयल, कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन में, फैट्स में या विटामिन में, तो ये फैट्स में आते हैं। बैलेंस डाइट फॉर एन इन्फेंट इज, यानी अच्छा जी वो कहते हैं कि एक बच्चे के लिए मतवाजन गज़ा कौन सी होती है, एक बच्चे के लिए मतवाजन गज़ा कौन सी होती है, फ्रूट होती है, मिल्क होती है, वेजिटेबल होती है या एग होती है, तो एक बच्चे के लिए मतवाजन गज़ा जो होती है वो मिल्क होती है। विच विटामिन मेक्स बोन्स स्ट्रॉन्ग, कौन सा विटामिन है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है, तो विटामिन डी। आयरन इज़ अ विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन, तो हमने पढ़ा है कि आयरन इज अ मिनरल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, व्हाई डू वी नीड फूड, हमें खुराक की ज़रूरत क्यों होती है, तो मैंने ये साथ में पेज नंबर राइट किए हुए हैं, पेज नंबर 32 पे इसका आंसर है। ये देखें, ये शॉर्ट क्वेश्चन वन, मैंने SQ1 लिखा हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन वन, इसका आंसर है कि क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि हमें खुराक की ज़रूरत क्यों होती है, इसलिए क्योंकि फूड प्रोवाइडर्स एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट नीडेड फॉर वाइटल प्रोसेस लाइक ग्रोथ, रिपेयर, रिप्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, नेम मेजर फूड ग्रुप्स, मेजर फूड ग्रुप्स के नाम बताने थे हमें, तो ये 32 पेज पे ही इसका आंसर है। ये कुछ मेजर फूड ग्रुप्स हैं हमारे पास, तो ये SQ2 यानी शॉर्ट क्वेश्चन 2 का आंसर है। फूड ग्रुप्स ये हैं हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन 2 लिखा हुआ है यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन है, नेम सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए कहाँ से हासिल किया जाता है, इसका सोर्स क्या है, 35 पेज पे इसका आंसर है। शॉर्ट क्वेश्चन 3, ये इसका आंसर है, सोर्स इसका कैरेट्स, कॉर्ड ऑयल, कॉर्ड लिवर ऑयल एक्सेट्रा, ये इसका सोर्स था, तो यही शॉर्ट क्वेश्चन 3 का आंसर है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है,
इनलिस्ट द सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड डी, विटामिन सी और डी का सोर्स क्या है वो उसको हमने इनलिस्ट करना है। 35 पे ही इसका आंसर है, ये विटामिन सी और डी। शॉर्ट क्वेश्चन 4, सिट्रस फ्रूट ऑरेंज गावा ब्रोकली स्ट्रॉबेरी मिल्क कोड लिवर सोयाबीन एक्सेट्रा, ये विटामिन सी और डी का सोर्स थे। और इसके बाद नेक्स्ट है लिस्ट सोर्सेज ऑफ मिनरल, मिनरल का जो है वो सोर्सेज कौन से हैं उनको लिस्ट डाउन करना है। 35 पे ही इसका आंसर है। शॉर्ट क्वेश्चन 5, यहाँ पे लिखा हुआ है मिनरल्स का जो सोर्स है वो है मिल्क मीट ग्रेन वेजिटेबल फ्रूट्स एग्स फिश। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है व्हाट इज अनबैलेंस डाइट, 37 पेज पे इसका आंसर है कि गैर मतवाजन गुजा कौन सी होती है। 37, ये शॉर्ट क्वेश्चन 6 का आंसर है, अ डाइट लैकिंग वन और मोर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ फूड नीडेड बाय अ पर्सन इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड डाइट। नेक्स्ट है जी, इज टेबल सॉल्ट अ मिनरल, क्या टेबल सॉल्ट यानी खाने का नमक जो होता है वो मिनरल है। तो इसका आंसर है जी, टेबल सॉल्ट इज मिनरल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन इट, सोडियम की मौजूदगी की वजह से उसको जो है वो टेबल सॉल्ट को टेबल सॉल्ट कहा जाता है। तो ये बिल्कुल एक मिनरल मिनरल कहा जाता है उसको, तो जी मिनरल है ये। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं व्हाट इज बैलेंस डाइट, डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। लॉन्ग क्वेश्चन है ये, व्हाट इज बैलेंस डाइट बताना है हमने और डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस। तो ये यहाँ पर पेज नंबर राइट किया गया, 36 पे इसका आंसर है। बैलेंस डाइट क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये सबसे पहले हम डेफिनेशन राइट करेंगे बैलेंस डाइट की। अ मिक्सचर ऑफ फूड्स हैविंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर अ पर्सन सूटेबल टू इट्स एज जॉब एंड हेल्थ कंडीशंस इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। पहले तो हम बैलेंस डाइट लिखेंगे, ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 1 लिखा भी हुआ है। फिर हम लिखेंगे इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, अब हम इसकी इम्पोर्टेंस राइट करेंगे यहाँ पे। वो यहाँ से डिफरेंट फूड से यहाँ तक बन रही है कंडीशन तक, ठीक है, ये इसकी इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब सोर्स एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स और उनका फंक्शन बयान करना है हमने। तो इसका आंसर है 32 पेज पे। ये कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स है, यहाँ से ग्लूकोज शुगर स्टार्च आर द फूड बिलोंगिंग टू, यहाँ से शुगर आर प्रोटीन इन हनी फ्रूट्स मिल्क एक्सेट्रा व्हीट राइस बार्ले पोटैटो टोमेटो, ये इसका सोर्स थे। और इसका अगला पार्ट जो है क्वेश्चन का वो यहाँ से है, कार्बोहाइड्रेट्स आर क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी, मोस्ट ऑफ द एनर्जी नीड्स ऑफ आवर बॉडी आर मेट बाय कार्बोहाइड्रेट्स, सो दे वर्क एज फ्यूल ऑफ आवर बॉडी, ये फंक्शन था इसका यहाँ तक। तो ये क्वेश्चन 2 का आंसर है। थर्ड पे है डिस्क्राइब सोर्स एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का फंक्शन और सोर्स बयान करना है, तो वो भी पेज नंबर 33 पे इसका आंसर है। ये प्रोटीन का सोर्स है, मीट एग फिश पल्सेस मिल्क चिकन नट्स बीन पीस सीड्स, ठीक है। और ये यहाँ से इसका फंक्शन है, प्रोटीन आर अ फूड ग्रुप विच प्रोवाइड मटीरियल फॉर ग्रोथ रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन, प्रोटीन्स आर दस नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी, तो यहाँ तक इसका फंक्शन था। ये 3 क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद है चौथे नंबर पे है स्टेट सोर्सेज ऑफ फंक्शन ऑफ विटामिन, सोर्स एंड फंक्शन ऑफ विटामिन, विटामिन का बयान करना है, तो ये पेज नंबर विटामिन जो है 35 पे है। यहाँ पे है विटामिन का, ये इनका सोर्स है और ये फंक्शन, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, ये मैंने यहाँ पे राइट भी किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ये, सोर्सेज और फंक्शनिंग। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है
नंबर 5 एक्सप्लेन द सोर्स एंड फंक्शन ऑफ मिनरल, मिनरल्स का फंक्शन और सोर्स बयान करना है। 35 पे ही इसका आंसर है। यहाँ पे मिनरल का सोर्स क्या है? मीट, मिल्क, ग्रेन, वेजिटेबल, फ्रूट्स, एग्स, फिश। ठीक है, ये इसका सोर्स है। और यहाँ पे इसका फंक्शन है, दे आर नीडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ बॉडी टिश्यूज लाइक बोन, टीथ एंड ब्लड सेल्स। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था। इसके बाद 6 नंबर पे है, डिस्क्राइब सोर्स एंड फंक्शन ऑफ फैट्स, फैट्स का बयान करना है हमने। 34 पेज पे इसका आंसर है। फैट्स का ये यहाँ से ये मैंने एस राइट किया है सोर्स के लिए। यहाँ से फैट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स, मिल्क, बटर, चीज, एनिमल्स आर रिच फूड ऑब्टेन्ड। ये सीड्स तक इसका फंक्शन सोर्स है। और फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मैंने एफ राइट किया हुआ है फंक्शन के लिए। तो यहाँ से यहाँ तक ये पैरा जो है वो इसका फंक्शन है। सेवन नंबर पे है, व्हाट इज फूड पैरामिड एक्सप्लेन। फूड पैरामिड अभी हमने पढ़ा था, इसी पेज पे आंसर है इसका, 38 पेज पे। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक आएगा, सातवें क्वेश्चन का आंसर है ये। उसके बाद हमसे पूछा गया है, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू ईट फूड फ्रॉम ऑल ग्रुप फूड ग्रुप्स, जो सारे फूड ग्रुप हैं उनसे जो गजा लेना। व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू ईट, तो क्यों ज़रूरी है सारे फूड ग्रुप से खाना। इसका आंसर है, खुराक के तमाम ग्रुप से खाना क्यों ज़रूरी है। डिफरेंट फूड कंटेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट, अ डाइट दैट इज ऑल दैट वी ईट इन अ डे शुड बी अ बैलेंस डाइट। डिफरेंट फूड आइटम्स इन डिफरेंट फूड ग्रुप्स कंटेन डिफरेंट न्यूट्रिएंट, दिस मस्ट बी प्रेजेंट इन आवर डाइट टू मेंटेन आवर गुड हेल्थ। यानी मुख्तलिफ ग्रुप्स, खुराक के जो ग्रुप्स हैं उनमें गजाइत भी मुख्तलिफ होगी, जाहिर बात है। तो खुराक जो हम सारा दिन खा रहे होते हैं इससे मतवाजन गजा जो है वो हम दिन में खाते हैं, तो इसे मतवाजन गजा कहा जाता है। तो मुख्तलिफ खुराक के जो ग्रुप्स होंगे वो मुख्तलिफ किस्म के न्यूट्रंट्स पर मुश्तमिल होंगे, तो जिनका हमारी खुराक में मौजूद होना भी ज़रूरी है ताकि हमारी सेहत जो है वो बरकरार रह सके। उसके बाद कॉलम्स हैं हमारे पास, मैच द कॉलम ए विद बी, इसको स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और मैच करते हैं इनको। अ मिनरल फाउंड इन टेबल सॉल्ट, मिनरल फाउंड इन टेबल टेबल सॉल्ट में पाया जाने वाला मिनरल कौन सा होता है? सोडियम। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं इसलिए हमें इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी, माई बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से होते हैं? जाहिर बात है प्रोटीन्स होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है। अ चार्ट दैट हेल्प्स इन चूजिंग फूड, वो कौन सा चार्ट है जो फूड को चूज करने में हेल्प करता है? पैरामिड, फूड पैरामिड चार्ट है वो। नेक्स्ट है, अ फूड दैट कंटेन प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर अ पर्सन, वो कौन सी डाइट कहलाती है? वो बैलेंस डाइट कहलाती है। सिट्रस फ्रूट किस में होता है? यानी सिट्रस फ्रूट में क्या होता है? विटामिन सी होता है। डिफिशेंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से क्या होता है? गोइटर होता है। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, व्हाट फूड कैन हेल्प कैन पीपल ईट टू प्रिवेंट देम गेटिंग स्कर्वी। वो कहते हैं कि अपने आप को स्कर्वी से बचाने के लिए लोग कौन सी खुराक खा सकते हैं? तो इसका आंसर है, पीपल मस्ट ईट सिट्रस फ्रूट, ऑरेंज, गावा, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी एक्सेट्रा टू प्रिवेंट स्कर्वी, से बचने के लिए हम ये वाला खुराक जो है खाना जो है वो खा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट फूड कैन पीपल ईट टू प्रिवेंट देम गेटिंग रिकेट्स, रिकेट्स से बचने के लिए। रिकेट हमने पढ़ा हुआ है पीछे, क्या कौन सी बीमारी थी वो कहते हैं, उससे बचने के लिए हम कौन सी खुराक लेनी चाहिए। तो इसका आंसर है, मिल्क, कोड लिवर एंड सोयाबीन आर टेक इन रिच इन फूड टू प्रिवेंट देम गेटिंग रिकेट्स, रिकेट से बचने के लिए हमें ये वाले सोयाबीन, कोड लिवर ऑयल जो है, मिल्क जो है, इसको यूज़ करना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डज बॉडी नीड द फॉलोइंग फॉर, हमें बॉडी में इन चीज़ों की ज़रूरत किस लिए होती है? ग्लूकोज की क्यों होती है? सो ग्लूकोज, आवर बॉडी नीड्स ग्लूकोज एज अ क्विक ऑफ एनर्जी, तब क्विक एनर्जी चाहिए होती है तो इसलिए ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। दूसरा है फैट्स, फैट्स की ज़रूरत क्यों होती है?
बॉडी नीड्स फैट प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर चेंज, प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन लाइक हार्ट, ब्रेन, किडनी एंड लिवर. ठीक है, फैट्स जिस्म को जो है वो इसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रखते हैं. अच्छा, प्रोटीन की ज़रूरत क्यों होती है? बॉडी नीड्स प्रोटीन फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड देयर अदर वाइटल फंक्शंस. ग्रोथ के लिए, रिपेयर होने के लिए और कुछ अदर वाइटल फंक्शंस जो हैं जिसके लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है. इसके बाद चौथे नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है, आर डाइट कंटेनिंग सम न्यूट्रिएंट्स टू मच एंड सम टू लिटल इज़ कॉल्ड अनबैलेंस्ड डाइट. कहते हैं कि ऐसी खुराक जिसमें चंद न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हों और कुछ बहुत कम हों वो गैर मुतवाजन ग़िज़ा कहलाती है. क्या होगा, व्हाट कैन हैपन इफ़ समवन टेक्स अनबैलेंस्ड डाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम. अगर क्या होगा अगर कोई इसको लंबे अरसे तक ले रहा है. इसका आंसर है फर्स्ट ए वाले का, इफ़ अ पर्सन टेक अनबैलेंस्ड डाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम इट विल अफेक्ट आवर ग्रोथ एंड हेल्दी हेल्थ बैडली. ये बुरी तरह से हमारी हेल्थ पे और हमारे ग्रो करने पे जो है वो इफेक्ट करेगी. दूसरा उन्होंने कहा कि व्हाट विल हैपन इफ देयर इज डिफिशेंसी ऑफ आयरन इन द फूड. अगर आयरन की खुराक में कमी हो जाए तो क्या होगा. तो अगर आयरन की कमी हो जाएगी, इफ़ देयर इज़ डिफिशेंसी ऑफ आयरन इन फूड इट विल कॉज एनेमिया. तो इससे एनेमिया जो है वो वाली बीमारी हो जाएगी. फिर उन्होंने कहा व्हाट विल हैपन इफ देयर इज़ डिफिशेंसी ऑफ विटामिन सी. अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो डिफिशेंसी ऑफ विटामिन सी लीड्स टू ब्लीडिंग ऑफ गम्स. तो फिर गम्स जो है वो मसूड़ों से खून आने लगेगा. फाइव क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, सम पीपल डू नॉट ईट मीट. कुछ लोग गोश्त नहीं खाते होते. व्हाट शुड दे ईट टू मीट द डिफिशेंसी ऑफ प्रोटीन. तो उनको प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए क्या खाना चाहिए. तो इफ़ अ पर्सन डू नॉट ईट मीट ही मस्ट ईट अदर फूड्स मोर इन क्वालिटी व्हिच आर इन रिच इन प्रोटीन लाइक एग्स, फिश, पल्सेस, मिल्क, बीन्स, पीस एंड सीड एक्सेट्रा टू मीट द डिफिशेंसी ऑफ प्रोटीन. तो उनको ये वाली चीज़ें खानी चाहिए ताकि वो कमी को दूर कर सकें. सेकेंड पे उन्होंने कहा हाउ मे द सफ़र इफ़ दे टेक प्रोटीन डिफिशेंट फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम. इन्हें क्या नुकसान हो सकता है अगर वो लंबे अरसे तक प्रोटीन की कमी वाली खुराक जो है वो खुराक ले रहे हैं. तो उनको क्या नुकसान होगा. वो कहते हैं इफ़ समवन टेक्स प्रोटीन डिफिशेंट फूड फॉर लॉन्ग टाइम देन हिज बॉडी ग्रोथ विल बी अफेक्टेड. तो उसकी बॉडी ग्रोथ जो है वो अफेक्ट हो जाएगी. सी पे उन्होंने पूछा नेम फाइव प्रोटीन फाउंड इन ह्यूमन बॉडी. इंसानी जिस समय पाई जाने वाली पांच प्रोटीन के नाम बताने हैं. तो ट्यूबुलिन है, कैरेटिन है, फिब्रिन है, हेमोग्लोबिन है, इंसुलिन है. ये हमारी बॉडी में प्रोटीन पाई जाती हैं. नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेट द डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डिफिशेंसी ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इन ह्यूमन बॉडी डाइट. वो कहते हैं कि दर्ज ज़ैल न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होने वाली बीमारियों का पता लगाएं कि अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होगी, विटामिन सी की कमी हो जाए तो कौन सी बीमारी होगी. तो विटामिन ए की कमी हो जाए तो डिफिशेंसी ऑफ विटामिन ए लीड्स टू अफेक्ट विजन, देखने में मसला हो सकता है. डिफिशेंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज ब्लीडिंग ऑफ गम्स. सी से क्या होगा, गम्स ब्लीडिंग होने लग जाएगी. सी, डिफिशेंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज वीकनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ बोन्स. सी से क्या होता है, डी से क्या होता है, बोन्स जो होती हैं वो वीक होने लग जाती हैं. डिफिशेंसी ऑफ आयरन कॉजेज एनीमिया. आयरन से क्या होता है, एनीमिया की कमी हो जाती है. एनीमिया का बायस बनता है आयरन की कमी जो है. डिफिशेंसी ऑफ कैल्शियम कॉजेज वीकनेस ऑफ बोन्स यानी रिकेट्स. कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर होने लग जाती हैं. नेक्स्ट, एक प्रोजेक्ट है, इनलिस्ट योर 10 फ्रेंड्स, कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर डेली डाइट ऑफ 30 डेज एंड रिकॉर्ड द डेटा एज अंडर. कि अपने जो है वो 10 दोस्तों के नाम लिखें, 30 दिन के लिए इनकी जो डेली की डाइट है उनको उनकी मालूमात इकट्ठी करें और डेटा को नीचे रिकॉर्ड बना लें. ठीक है, फिर आप एग्जामिन कर सकते हैं कि उनकी डाइट जो है वो बैलेंस डाइट है या अनबैलेंस डाइट है. तो यहाँ पे हमारे चैप्टर का एंड हो रहा है. पूरे चैप्टर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं. थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़.